हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने अपने एक्वेरियम में किया है एक स्नेल को ऐड, और हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्नेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्नेल जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर होता है, और हम उसको अपने टैंक में ऐड करके, अपने एक्वेरियम में ऐड करके अपने एक्वेरियम की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो एक जो स्नेल होता है वो एक बहुत ही अच्छा एल्गे ईटर होता है, जो कि आपके टैंक को क्लीन रखने में बहुत ही हेल्प करता है, आपकी बहुत ही हेल्पफुल होता है वो। क्योंकि वो जो है आपकी जो स्टोन्स में एल्गे लग गई होती है, या आपके शीशे में एल्गे लग जाती है, या आपकी फिशेज जो है पॉटी करती हैं, वो उसको ईट करता है और वो उसको क्लीन करता है। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है आपके एक्वेरियम के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसको अपने एक्वेरियम में ऐड नहीं किया है, तो मैं कहूँगा आप ऐड कर लीजिए इसको, ये आपके बहुत ही हेल्पफुल आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल कलर्स में आते हैं, अवेलेबल होते हैं, मगर जो कॉमन कलर है ये येलो कलर में मिल जाते हैं आपको। किसी भी एक्वेरियम शॉप पे आप जाएंगे तो आपको मोस्टली जो है ये एप्पल स्नेल्स जो मिल जाते हैं, बट ये कॉमनली जो इसका कलर होता है वो येलो होता है, और येलो कलर में आपको मैक्सिमम जो है शॉप्स में अवेलेबल मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही पीसफुल एनिमल है, तो ये किसी भी आपकी फिश को या किसी और पेट को आपके तंग नहीं करते हैं। तो ये अपना आराम से घूमते रहते हैं पूरे एक्वेरियम में, और पूरे एक्वेरियम को ये क्लीन करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं, पूरे एक्वेरियम को क्लीन करते रहते हैं ये। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप इसको अपने फिशेज के साथ में रखना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपकी फिश सॉफ्ट फिशेज हैं या फिर हार्ड फिशेज हैं, क्योंकि ये सब फिशेज के साथ में नहीं रह सकते हैं। ये तो रहना चाहते हैं, बट दूसरी फिशेज जो है इनको रहने नहीं देती हैं अपने साथ में, वो फिशेज इनको मतलब खा जाती हैं, इनको मार देती हैं। काफ़ी जो हार्ड फिशेज होती हैं वो काफ़ी एग्रेसिव फिशेज होती हैं, और एग्रेसिव जो फिशेज होती हैं वो एक दूसरे के भी पीछे पड़ जाती हैं काफ़ी। तो वैसे ही जब वो देखती हैं ऐसे क्रिएचर जो कि अपना डिफेंस बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो उनको मार देती हैं और ये उनका नाश्ता बन जाते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने इनको अपनी जो है गोल्ड फिशेज के साथ में रखा हुआ है, जो कि सॉफ्ट फिशेज हैं और बहुत ही प्यारी फिशेज हैं, ये तंग नहीं करती हैं ज़्यादा किसी को भी। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप रिसर्च जरूर कीजिएगा अपने टैंक में इसको ऐड करने से पहले, कि आपकी फिशेज कौन सी वाली हैं, उसके साथ में ये रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। और गाइस, इनकी अगर बात करें लिविंग की, तो ये 2 से 3 साल तक आराम से रह सकते हैं जिंदा, अगर इनको अच्छे से खाना वगैरह मिलता रहता है आपकी टैंक में, अगर इनफ एल्गे है तो। और गाइस, एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारे स्नेल होते हैं ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, और ये वाटर के बाहर भी रह सकते हैं। वाटर के बाहर इन द सेंस, ये कुछ टाइम तक ही बाहर रह सकते हैं, जब तक ये मॉइस्चर है, गीले हैं, तब तक ये बाहर जिंदा रह सकते हैं। और वैसे ये आप अगर इनको देखेंगे बाहर, इसलिए जिंदा रह सकते हैं क्योंकि क्या कई बार क्या होता है, हमारे टैंक के ऊपर जो है ढक्कन नहीं लगा होता है, और ये क्लीनिंग करते करते ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद ये कई बार अगर आपका ओपन टैंक है तो ये वहाँ से निकल भी जाते हैं, निकल के बाहर गिर जाते हैं ये, और उसके बाद फिर ये वापस अंदर जाने का इनको रास्ता तो नहीं पता है कि हाँ मैं यहाँ से आया हूँ तो ये वापस जाना है, तो ये इधर उधर भटक जाते हैं। और अगर ये ज़्यादा देर तक फिर बाहर रहते हैं बिना पानी के, तो ये मर भी जाते हैं। तो गाइस, इस चीज़ का आप ध्यान दिए रखिएगा, अगर आपके टैंक के ऊपर ढक्कन नहीं है, या आपने कुछ मिरर या कुछ ग्लास नहीं लगा रखा है उसके ऊपर, कवर नहीं है वो, तो आप उसको कवर ज़रूर कर लीजिएगा, या तो फिर आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये बाहर ना निकल सके, अदरवाइज जो है आपको बहुत लॉस भी हो सकता है अगर ये बाहर निकल जाता है तो। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आप जानते हैं स्नेल्स के बारे में और शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज़ भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।